हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश का पैन इंडिया फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में, जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है। और मैंने ये मूवी आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, यहाँ पे सुबह 8 बजे फर्स्ट शो था, और वो शो में भी 85% ऑक्यूपेंसी थे। और आज तो पूरा तहलका मचा दिया है ऑलरेडी बुक माय शो पे। तो ये KGF चैप्टर 2 जो हाइप क्रिएट किए थे और इतने सालों तक जो इंतज़ार हम लोगों ने किए, वो इंतज़ार कितना वर्थ हुआ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो KGF 2 देखने से पहले आप लोगों को KGF 1 ज़रूर देखने होंगे, क्योंकि 1 से ही यहाँ पे कहानी शुरू होते हैं। और KGF चैप्टर 2 के मूवी में भी आप लोगों को पार्ट 1 के बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट बिना देखे हुए चैप्टर 2 देखने जाओगे तो मैक्सिमम थिंग्स आप लोगों को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होंगे। तो यहाँ पे गरुड़ा को मारने के बाद यहाँ पे रॉकी भाई जो है वो KGF को कब्जा कर लिए हैं ऑलरेडी, और KGF पे वो अपने राज चला रहे हैं। और यहाँ पर ही वो चाहते हैं कि पूरे इंडिया पे वो अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और KGF को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे डेफिनेटली विलेंस तो है, जो कि पार्ट 1 पे आप लोगों को कई सारे विलेंस देखने को मिले थे। तो वो सब कुछ प्लान करेंगे यहाँ पे रॉकी को मारने के लिए, रॉकी को वहाँ से KGF से हटाने के लिए बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे वो लोग कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब नाकाम रहेंगे। तभी यहाँ पे आएंगे अधीरा यानी कि संजय दत्त, और अधीरा का कैरेक्टर आने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा, क्या सच में रॉकी को हरा पाएंगे, या फिर रॉकी अधीरा को हरा देंगे, या फिर रॉकी के हाथ से KGF का जो पूरा कंट्रोल है वो चला जाएगा, क्या होगा अल्टीमेटली, ये सब कुछ जानने के लिए आपको KGF चैप्टर 2 देखने होंगे। सो दिस मूवी वॉज अ कम्प्लीटली मास्टरपीस एंड इट्स अ कम्प्लीटली ट्रीट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन, क्योंकि प्रशांत नील ने अपने जो विजुअलाइजेशन से जो ये मूवी को प्रेजेंट किया, दैट्स द बेस्ट थिंग यू विल वॉच इन दिस मूवी। ये मूवी का रन टाइम है लगभग 2 घंटे 50 मिनट, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना ज़बरदस्त है, स्क्रीन प्ले इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग पूरे ये फिल्म को एकदम शुरू से लेके एंड तक, यस एंड तक आप लोग हर एक सीन पे हर एक फ्रेम के बहुत एंजॉय करोगे। और ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ दिस मूवी इज़ फुल ऑफ गूज़बम्स, फुल ऑफ सिटी वाला मोमेंट। और यहाँ पे जो मेजर 3 कैरेक्टर्स है यानी कि संजय दत्त, रवीना टंडन और यहाँ पे रॉकी भाई, तो 3 लोगों का जो एंट्री सीन था, मुझे लगता है मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री सीन्स देखा टिल नाउ इन द इंडियन सिनेमा। क्योंकि यहाँ पे अधीरा का एंट्री सीन जिस तरीके से दिखाया, जो वो एक मोमेंट बिल्डअप कर रहा था अधीरा के बारे में, तभी जब अधीरा के एंट्री सीन होंगे, दैट वॉज द एपिक सीन इन दिस मूवी। और साथ ही साथ यहाँ पे रॉकी भाई का एंट्री सीन भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पे रवीना टंडन का जो रोल है वो सेकेंड हाफ के मिडिल पे जाके आएंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर आने के बाद फिल्म का जो पेस वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, एंड इट विल बी अ कम्प्लीटली ट्रीट टू वॉच द फाइट बिटवीन दिस ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। एक साइड पे रॉकी भाई और उसके गैंग है, दूसरे साइड पे बहुत सारे एनिमीज है, तो ये जो फाइट है वो बहुत ही देखने वाला था। साथ ही साथ यहाँ पे अधीरा और रॉकी भाई का जो फाइट था, दैट वाज अ कम्प्लीटली ट्रीट टू वॉच, दैट वाज फुल ऑफ गूज़बम्स, फुल ऑफ एपिक मोमेंट। फिल्म पे अगर टेक्निकल बारे में कहूँ तो सच में यहाँ पे जो पिक्चराइजेशन किया था, जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ फिल्म का जो सिनेमाटोग्राफी है, इट विल गिव यू अ प्रीमियम वाइब। साथ ही साथ फिल्म का जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो है डेफिनेटली द BGM। यहाँ पे रवि वासरूल का जो BGM था, पूरे फिल्म को आप लोगों को एक एनर्जेटिक वाइब देंगे, आप लोगों को एक पूरे गूज़बम्प्स पे रखेंगे ये पूरे फिल्म देखने के समय। और हर एक सीन पे जो BGM यहाँ पे यूज़ किया वो आप लोगों को एक एड्रेनलिन रश देंगे। पूरी इस फिल्म का जो एक्शन था, इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एक्शन यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया, आप लोगों को लगेगा कि सच में आप लोग एक हॉलीवुड लेवल के मूवी देख रहे हो। प्रीमियम वाइब के साथ यहाँ पे जिस तरीके से कोरियोग्राफ किया एक्शन स्टंट्स को, वो बहुत ही देखने में अच्छा लगेंगे आप लोगों को। अगर आप लोग एक्शन लवर्स हो तो डेफिनेटली ये मूवी तो आप लोगों को एक अलग सा मजा देंगे। साथ ही साथ फिल्म का स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग से यहाँ पे डील किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे KGF को लेके जो इतना यहाँ पे प्रॉब्लम चलेंगे, यहाँ पे एक साइड पे यश है जो KGF को कंट्रोल करना चाहते हैं, बाकी साइड पे दूसरे जो विलेन है वो KGF को रॉकी भाई से हटा के कब्जा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल एंगल्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है जो बहुत अच्छे से यहाँ पे डायरेक्टर ने लिखा है। और यहाँ पे हाँ, प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया था। हम लोगों को पहले ट्रेलर देख के लग रहा था कि शायद KGF चैप्टर 1 पे जो जर्नलिस्ट थे उनको हटा के शायद यहाँ पे प्रकाश राज को डाला हुआ है, ऐसा नहीं। अगर आप लोग फिल्म शुरू से देखोगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा प्रकाश राज का यहाँ पे क्या कैरेक्टर है। अब अगर यहाँ पे श्रीनिधि शेट्टी के बारे में कहूँ तो उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत
काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत स्क्रीन प्रेजेंस कम दिया गया, लेकिन जितना दिया गया था आप लोगों को अच्छे लगे देखने में, स्पेशली द केमिस्ट्री बिटवीन यश एंड श्रृंगि शेट्टी, एक गाना है वो पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छा था। उन लोगों के बीच जो रोमांस यहाँ पे दिखाया आप लोगों को अच्छे लगेंगे देखने में। अब अगर KGF 2 के एक एडवांटेज जो पॉइंट है, जो पार्ट वन पे भी एक मेन फोकस था, वो है यहाँ पे माँ और बेटे का जो एक रिलेशनशिप था, वो इस फिल्म में भी बहुत अच्छे से उन पर दिखाया। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को एक माँ और बेटे का जो यहाँ पर जो प्यार है, माँ का दिया हुआ वादा बेटे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जो मोमेंट, वो जो इमोशंस यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया, सच में जब जब ये माँ और बेटे का सीन आएंगे मेक यू इमोशनल एज वेल। तो वो इमोशनल मोमेंट फिल्म पे बहुत अच्छे से डाला हुआ है। मैंने हिंदी वर्जन में डेफिनेटली देखा, तो हिंदी वर्जन में जो डायलॉग था पूरे के पूरे पैसा वसूल मसाला एलिमेंट था, और स्पेशली फिल्म का जो ट्रीटमेंट था, जिस तरीके से यहाँ पे पूरे डार्क पूरे थीम यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप लोगों को एक अलग सा नज़रिया देंगे ये पूरे मूवी देखने के समय। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में मिडिल पे जाके थोड़े बहुत आप लोगों को स्ट्रेची लगेंगे कुछ कुछ जगह पे, लेकिन लास्ट 30-40 मिनट्स जो क्लाइमैक्स सीन था, वो पूरे वो जो स्ट्रेची पार्ट था उनको पूरे मेकअप कर देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे एंड सीन पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन आप लोग ज़रूर देखना। हैट्स ऑफ देना चाहिए डायरेक्टर को, स्पेशली यहाँ पे यश जो पूरे फिल्म को जिस तरीके से लेके गए हैं, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया स्वैग के साथ, जिस तरीके से पूरे रॉकी भाई का कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे निभाया, दैट वाज द एडेड एडवांटेज ऑफ दिस मूवी टू। साथ ही साथ फिल्म पे गाना भी बहुत अच्छे से सिचुएशन वाइज मूड वाइज यहाँ पे यूज़ किया है, जो उस सीन को एक अलग सा इंपॉर्टेंस देंगे पूरे फिल्म पे। और फिल्म पे हर एक मोमेंट पे, हर एक सीन पे बहुत ही गूज़बम्स है, बहुत ही एक मास मोमेंट है जो आप लोग भरपूर एंजॉय करोगे ये फिल्म देखने के समय। तो ओवरऑल अगर कहूँ, KGF चैप्टर 1 जो लेवल क्रिएट किए थे, KGF चैप्टर 2 वो लेवल को डबल हाइप पे ले गए। तो ये जो मूवी था, सच में अगर आप लोग थिएटर में नहीं देखोगे तो यू विल मिस बेस्ट थिंग ऑफ दिस ईयर। तो इतना ही कहूँगा KGF चैप्टर 2 के लिए, हम लोग इतने साल जो वेट कर रहे थे, इट वॉज जस्ट वर्थ इट। वन ऑफ द मोस्ट एपिक सिनेमास आई हैव वॉच्ड फ्रॉम द साउथ इंडियन इंडस्ट्री, रादर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इफ आई से। तो अगर आप लोगों ने अब तक ये मूवी देख लिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।